हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक नई सुबह पे। देखिए सुबह हो गई है, सूरज की रोशनी हमारे धरती पर आ चुकी है। इसी के साथ शीतल जी सरसों का साग तोड़ते हुए सुबह सुबह, ये देखिए सरसों का साग की सब्जी बनेगी आज। हम लोग दो चार दिन से काफी बिजी चल रहे हैं, मतलब लगभग दो तीन दिन से हम लोग मार्केट भी नहीं जा पाए हैं, सब्जी वगैरह नहीं खरीद पाए हैं, आलू वगैरह। तो आज वेडनेसडे है, आज मार्केट है, आज हम लोग चलेंगे, आलू प्याज लहसुन वगैरह खरीदना है। साग वगैरह तो थोड़ा बहुत निकल जाता है यहीं से। देखिए टमाटर भी हो रहा है, ये हम लोग लेके आए थे, बोला है कि ये 12 महीना फलने वाला टमाटर है, इसको हम लोग लगाए थे बारिश के टाइम पे, अभी फल रहा है। तीन लगाए थे। हाँ देखिए ये यहाँ पे एक लगाया था, ये तो मर गया, ये देखिए पौधा खराब हो गया, हुआ ही नहीं। ये फूल गोभी का पौधा लगा रखा है अनीस, ये इधर मूली अभी छोटा छोटा है, इधर देखिए फूलगोभी बड़ा हो गया है। और यह है प्याज का पौधा, गाछी आप लोग देख सकते हैं, ये हम लोग घर बनाने के लिए किए थे, लेकिन अभी इनके लिए बजट हो नहीं पा रहा है, इसलिए अभी इसको हम लोग ऐसे छोड़ दिए हैं, ब्रेक ही कर दिए हैं। इसका हम लोग दूसरा सब्जी लगाने पे काम ला रहे हैं इस जगह को, तो काफ़ी सारा सब्जी लग रखा है, थोड़ा 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 खाने के लिए हो जाता है हम लोग का, है ना। काफ़ी चीज़ लगा हुआ है, करेला देखिए फल रखा है, ये देखिए करेला। तो इसका हमने ऊपर में परमानेंट तार वाला लगा रखा है, ये देखिए तार का लगा रखा है, इसको हम लोग झमड़ा भी बोलते हैं, झमड़ा तो शादी वाला को बोलते हैं, मचान भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये परमानेंट लगा हुआ है, जिससे कि हमें हर साल या बार बार नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम लकड़ी वाला लगाएंगे या फिर ऐसे डाल का काट के हम लोग मचान बनाएंगे ना, उसको तो हर साल लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर बारिश में ख़राब हो जाता है, एक साल चलता है। तो ऐसे तार वाला परमानेंट या फिर मजबूत लकड़ी का अगर हम कर देते हैं ना, तो परमानेंट हो जाएगा, लगभग दो चार साल चलेगा फिर। तो इधर देखिए पंपकिन कोहड़ा हो रखा है, ये देखिए कोहड़ा बहुतों को तो पसंद नहीं है, हम लोग क्योंकि बहुत सारा आजकल सभी को प्रॉब्लम है, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने से बहुत सारा आयुर्वेदिक डॉक्टर लोग या फिर देसी जड़ी बूटी वाला लगभग हर कोई बोलता है कि कोहड़ा मत खाना, बैंगन मत खाना या फिर मछली मत खाना, तो लगभग हर चीज़ तो लगभग मना ही कर देता है, तो हम खाए क्या। तो इसलिए कोहड़ा बहुत लोग नहीं खाते हैं, हाँ फिर उड़द की दाल भी बोलते हैं मत खाना, बहुत सारा चीज़ ऐसा मना हो जाता है जिसको हम नहीं खा पाते हैं। हम लोग को भी बहुत चीज़ मना है लेकिन खा लेते हैं थोड़ा बहुत। ये देखिए इधर भी हम लोग बारामसिया बैगन बोलते हैं इसको, हम लोग लेके आए थे 25 रुपया पर पौधे करके लिया था, अभी तो फूल रहा है, ठीक है। ये भी हम लोग बरसात में लगाए थे, ये देखिए यहाँ पे एक फल गया है, पहला फल इसका एक है, देखिए इसको ना आग में भून के बोलिए या भूरट के बोलते हम लोग झारखंडी में, आग में भूरट के खा भी ना तो बहुत मजा लगता हो, और ये वाला किसको किसको तो भून के आग में भून के बहुत ही मजा आता है खाने में। हाँ और देखिए और आप लोगों को एक चीज दिखाते हैं, ये है ठेपा, ये ठेपा समझ रहे ना, ठेपा। तो ठेपा क्यों नाम पड़ा आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठेपा, ठीक है। ठेपा जैसा दिखता तो नहीं है लेकिन पता नहीं क्यों ठेपा नाम पड़ा, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा। ज़्यादा पौधा नहीं है, 5-6 पौधा है, लेकिन इसी से खाने के लिए हो जाता है, साल में कम से कम एक आध बार तो हमें टेस्ट करना ही चाहिए। इसका जो फल है ना, ये वाला फल को सुखा के भी रखते हैं और ऊपर से डाल के खाते हैं इसको, झोर बना के ना जी, हाँ सुखा के रखते हैं इसको, खाते हैं, बाजार में बिकता भी है। हाँ।
हम लोग का ये कैबेज बंधा है, इतना बड़ा हुआ। हाँ ये देखिए, ये कैबेज है, पत्ता गोभी, गांठ गोभी भी बोलते हैं इसको। क्या गोभी? गांठ गोभी है ना, इसको गांठ गोभी बोलते हैं। देखिए शीतल जी बोल रही है कि पहली बार सुन रहे गांठ गोभी बोल के। हाँ, इसको पता ही नहीं है। पहली बार। हाँ तो जगह जगह की बात है, कहीं पे बोलते हैं कहीं पे नहीं बोलते हैं। तो ये ननिश लगा रखा है इसको, तो हो रखा है पत्ता गोभी, अभी बंधा रहा है। हाँ पत्ता ज्यादा हुआ, अभी पूरा बंधाया नहीं है। हाँ पूरा रेडी नहीं हुआ। फूल गोभी भी है, फूल गोभी भी अभी शुरू नहीं हुआ है फूल होने। तो यही हमारा छोटा सा बगान है, खाने पीने के लिए थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, ये देखिए बोदी लग रखा है, बोदी बरबट्टी यहाँ पे लगाया था पिछले बार, आप लोगों ने देखा होगा पिछले वीडियो पे। तो दोबारा हम लोगों ने इसे लगा दिया है ना। इधर काफ़ी घास हो गया था तो साफ सफाई किया हमने इधर। और देखिए वहाँ पर कुंदरी का मचा बनाया हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा पिछले वीडियो में, एक वीडियो में हमने बनाया था कुंदरी का सब्जी, हम लोग तोड़ रहे थे और खाए थे। तो उसका भी परमानेंट मचान बना हुआ है, जिससे कि बार बार हम लोग को बनाना नहीं पड़ता है। सूरज आप लोग देख सकते हैं, सूरज की रोशनी आ गई है, हल्का हल्का बादल छाया हुआ है लग रहा है हल्का। देखो चिड़िया कितने सुंदर से चिल्ला रहे हैं, मैना अपने मैनी को चिल्ला रहा है, आप लोग को जूम करके दिखाते, देखिए कितना सुंदर से आवाज़ कर रहा है। आजो आजो आजो, धूप तापेंगे बोल रहा है अपने मैनी को। तो ये चिड़ियों की आवाज़ कितनी सुंदर लगती है हमें सुनने में, लेकिन अभी पोल्यूशन की वजह से चिड़ियों की संख्या कम होते जा रही है। आप लोगों ने सुना होगा गौरैया, गेरवाचा भी बोलते हैं हमारे झारखंड में स्पैरो, वो चिड़िया का अभी मतलब बहुत ही कम दिखता है, पहले का टाइम था वो बहुत ज़्यादा दिखता था। तो अभी पोल्यूशन की वजह से वो चिड़िया कम हो गई है, है ना। तो कोशिश करना चाहिए कि हम पोल्यूशन कम से कम करें, लेकिन अभी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पोल्यूशन भी बढ़ रही है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाए। जगह ही नहीं है तो क्या करें, कहाँ लगाए पेड़, है ना। छोटा प्लांट लगा सकते हैं घर पे, कम से कम कुछ नहीं तो नई मामा में काना मामा तो होगा ना, है कि नहीं। तो छोटा प्लांट्स भी आप लोग लगा सकते हैं, और छोटा प्लांट्स में क्या कर सकते हैं आप लोग, नींबू लगा सकते हैं गमले पे, ऐसे मिर्ची लगा सकते हैं आप लोग, बैंगन भी लगा सकते हैं गमले पे। तो वही बोलते हैं नई मामा में काना मामा, कुछ तो होगा और आप लोग को खाने के लिए भी मिल जाएगा। तो देखिए अनिश क्या लगा रहा पूछते हैं। हाँ जी अनिश क्या लगा रहे हैं बताइए। सब में इसमें साग लगेगा, उसमें मेथी लगेगा। हाँ। इसमें लाल साग, हरा साग, हरा साग, पीला साग, पीला साग। सुन लिया ना, लाल साग, हरा साग, पीला साग। ठीक है पीला साग, तो पीला साग वाला अभी सस्पेंस ही है, पीला साग में मतलब क्या लगेगा अभी उसको भी पता नहीं है, है ना। तो पीला साग आएगा तो फिर बढ़ेगा तो दिखाएंगे। हाँ ये देखिए आप लोगों को सबसे खास चीज़ दिखाते हैं, जो कि आप लोगों से मतलब बताने से पहले आप लोग का माइंड में आंसर आना चाहिए कि आप लोगों को हम ऐसे चीज़ दिखाते हैं जिसका पता आप सब्जी में डाल दिए ना तो उसका टेस्ट दोगुना हो जाता है। जस्ट वन क्लिक में बताइए कि उसका आंसर क्या हो सकता है। टैंग टैंग टैंग, ये देखिए बताइए क्या है, धनिया पत्ता, है ना। तो सब्जी या फिर नॉन वेज करी वगैरह में इसको डालिए और इसका फिर स्वाद देखिए, मजा ही, चटनी खाइए मजा ही, कुछ मजा ही बढ़ा देगा फिर खाने का। तो कुछ और ये देखिए, सुने ना क्या बोले, आप लोगों को सुनाई दिया होगा कानों पे, चलिए साग काट दीजिए, मेरा टास्क है जाना पड़ेगा। देखिए साग तोड़ लिए है सरसों का, अभी हम लोग चलेंगे साग बनाएंगे, आज यही रहेगा सब्जी आज का, है ना। और कुछ नहीं इसके साथ, तो क्या कर रहे थे, सलाद खाते हैं हम लोग डेली, ठंड में भी सलाद खा रहे हैं, है ना। सलाद हम खाना बहुत ही जरूरी है, अच्छा चीज़ है। डेली एक एक उखाड़ उखाड़ के खत्म कर दिए, तो साग क्या बचा। डेली एक खीरा दो मूली का सलाद खाना जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है, लेकिन सर्दी में पकड़ता होगा किसी किसी को गला, इसलिए नहीं खाते होंगे बहुत ही आजकल ना।
तो हम लोग तो खा रहे हैं कंटिन्यू। चार ही मूली बचा है, देखिए हमारा मूली पूरा खत्म हो गया। अभी उधर निकलेगा कुछ। हाँ उधर वाला छोटा छोटा है ना, वो देखिए आपको दिखा रहे, वहाँ पे अभी छोटा छोटा है ये वाला यहाँ वाला, अभी ये खत्म हो गया ना तो वो निकलेगा, फिर उसको खाया जाएगा, क्रिसमस तक निकल जाएगा। हाँ देखिए कहाँ जा रही है, सरसों का साग तोड़ने के लिए जा रही है इधर। हाँ देखिए कुछ बता रही है आप लोगों को शीतल जी। ये सरसों का साग खुद से निकला है, उसका बीज झड़ गया था तो खुद से निकला है, तो उसी को मैं साग बनाती हूँ। जब निकल गया ना तो मतलब कि आप ये बताइए कि ये एक टाइप से एक जंगली सरसों है कि नहीं? जंगली नहीं, पहले लगाया हुआ था। अच्छा। तो उसका फूल गया फिर वो पक गया, तो हम लोग उसको बीज को हम लोग रखे नहीं, वो जमीन में ऐसे गिर गया। ओके। तो फिर वो अपने से निकलता है, जब पानी पड़ता है अनिश पटाता है ना तो निकलता है ये सब। तो साग जब छोटा होता है तो हम साग के लिए तोड़ लेते हैं। हाँ तो इसे जंगली नहीं बोलेंगे है ना, ऐसा तो पहले से हमारे पूर्वज लोग जंगली चीज ही खाते हैं। बहुत सारा साग देखिएगा, चाकोर साग हो गया आपका, चाकोर साग, छाता साग, चिमटी साग, वो गाना भी सुना होगा आपने, अरे साग भला तोड़ा ले कादो भला लेटा ले भौजी गे चुनु मुनु छुआ के कादो लेटा ले, अरे चिमटी साग तोड़ा, अरे नहीं नहीं नदी नदी घुमा ले चिमटी साग तोड़ा ले भोज गए चुनु मुनु छुआ के कादो लेटा ले। तो बहुत सारे ऐसे मतलब एक टाइप से जंगली साग, जंगली पत्तों को ही खाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। चिमटी साग हो गया, छाता साग हो गया, और बैंग साग हो गया, नदी साग हो गया। तो आजकल तो शायद बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, लेकिन उसमें बहुत सारा गुणकारी चीज़ भी होता था और फ्री में भी मिल जाता था। तो अभी के टाइम पे तो किसको टाइम है और वो सब तोड़ने का, तो फिर भी हमें टाइम मिलता है तो वो सब खाना चाहिए, तोड़ना चाहिए जाके, और उस सब चीज़ों के बारे में जानकारी हमें रखनी चाहिए। तो जो अभी आयुर्वेदिक जो बनाते हैं, मान लीजिए जिस डॉक्टर को पता है आयुर्वेदिक चीज़ बनाने के लिए, वो है क्या? देखा जाए तो एक्चुअल में वही चीज़ है जो कि पहले हर लोग मतलब वही चीज़ यूज़ करते थे और अपनी बीमारी से ठीक होते थे। तो अभी के टाइम पे तो सिर्फ कुछ खास खास लोगों को ही पता है कि किस किस चीज़ में क्या गुण है ना। तो पहले तो लगभग हर चीज़ खाते थे उस प्रकार के पत्ते साग बोलिए, जिससे वो बीमार भी कम पड़ते थे, बीमारियां भी कम आती थी। और अब देखिए वो सब चीज़ हम लोग कम यूज़ कर रहे हैं, कम खा रहे हैं, तो बीमारियां भी बढ़ रही है। लगभग हर घर में बीमारियाँ, कुछ ना कुछ प्रकार की बीमारियाँ हैं है ना। तो फिर भी कोशिश करना चाहिए कि हम उस प्रकार से खा पाए। तो मेरा चाय देखिए, ब्लॉग बना रहे हैं इस वजह से हम चाय भी नहीं पी पा रहे, ठंडा भी हो गया हल्का, चलेगा। आप लोग चाय पिए कि नहीं? देखिए लाल चाय हम लोग पी रहे हैं, लाल चाय इज़ गुड फॉर हेल्थ, इट इज़ बेटर देन मिल्क टी। तो चलिए फिर, शीतल चली गई और देखिए अभी चलते हैं सब्जी काट देते हैं, उसके लिए तभी तो मिलेगा सब्जी, नहीं तो काटते रहेंगे फिर टाइम हो जाएगा। ठीक है तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, सी यू। और यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे जो भी वीडियो बनाएं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और देखें आप, क्योंकि हम जब वीडियो अच्छे अच्छे बनाएंगे आप लोगों को मिलेगा ही नहीं नोटिफिकेशन, तो आप लोग देखिएगा कैसे है ना, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिएगा। ठीक है, ओके, फिर बाय बाय, सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट।